Hi to all the super queens out there. This is Ambati Raidu. I really urge you CSK.com and don't feel left out. There is brilliant support CSK in this IPL. दोस्तों IPL का आगामी सीजन 22 मार्च से खेला जाना है। IPL 2024 में रोहित शर्मा पर सबकी निगाहें होंगी, जो इस बार बतौर बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के लिए भाग लेंगे। रोहित ने अपनी कप्तानी में MI को 5 बार IPL खिताब जिताया है, मगर इस सीजन में उन्हें मुंबई इंडियंस ने कप्तानी के दायित्व से मुक्त कर दिया है। 36 साल के रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद क्रिकेट फैंस में नाराजगी देखने को मिली थी। MI ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया था। अब रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने बड़ा बयान दिया है। रायडू ने भारतीय कप्तान रोहित को निकट भविष्य में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते देखना चाहते हैं। रायडू मानते हैं कि रोहित 5 से 6 साल तक आराम से IPL खेल सकते हैं और धोनी के रिटायरमेंट लेने पर वह CSK की कप्तानी भी कर सकते हैं। IPL 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होना है, ऐसे में रायडू की बातों में थोड़ा दम लग रहा है। दोस्तों आप क्या चाहते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा CSK की कप्तानी करे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।